नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और श्रावणी मेला भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर हर तरफ तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि इस बार ऐसा है कि श्रावणी मेला जो है वो 2 महीने के लिए रहेगा। वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के जिलाधिकारी सुल्तानगंज पहुंचे हैं, सुब्रत कुमार सेन। वहां पर वो जायजा ले रहे हैं और नमामि गंगे घाट पर चल रहे श्रावणी मेला के कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि किस तरीके से सभी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया है और समय पर निर्माण कार्य जो है वो भी पूरा हो जाएगा, इसको लेकर आदेश दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीजों को लेकर भागलपुर के DM सुब्रत कुमार सेन, सुनिए। तैयारियां अंतिम चरण में है, 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है। और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियां बिल्कुल लास्ट चरण में है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं। जहां जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, चूँकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला संपन्न होगा। उस पर काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है, चूँकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण। तो सारी तैयारियां, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो, श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से, जो रेन शेल्टर हम लोगों का धांधी बलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है। और पिछले साल से जो हम लोगों ने शुरुआत कराया है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम का, और पिछले साल पूरे माह भर कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ भी जो है जहाज घाट पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा और बड़े कलाकार जो है यहाँ परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से धांधी बेलारी में भी, वहाँ भी शिविर भी रहता है और पूरे माह भर वहाँ भी कार्यक्रम जो है वो पिछले वर्ष हुआ था। इस बार चूँकि 2 महीने का है तो दोनों माह जो है वहाँ धांधी बेलारी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं, और बहुत जो PSD की व्यवस्था हो, या जो RCD बांका जो कच्ची कांवरिया पथ की तैयारी होती है, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं बहुत अच्छे वातावरण में। हाँ सर, खतरनाक बना हुआ है। नहीं, वो देखिए गंगा में क्या है कि पानी तो घटता बढ़ता रहता है और अभी जो है वो बढ़ने का ट्रेंड है और बढ़ेगा। पिछले साल की तुलना में देखें तो पानी कम है, पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसके कारण जो है सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो जहाँ पे निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे ताकि जो है श्रद्धालुओं को पानी में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बैरिकेडिंग लगभग में कंप्लीट हो गई है और इसको लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे पानी बढ़ेगा तो बैरिकेडिंग ऊपर करना पड़ता है। और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी और जिस घाट को ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग पुराना जो सीढ़ी घाट है वहाँ एक घाट को खतरनाक घाट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो वो तो पानी का जैसा उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और उस फ्लड कंट्रोल जो डिवीज़न है भागलपुर का, वो लगातार तत्पर है, वो सारी व्यवस्थाएँ ससमय की जाएंगी। तो आपने सुना सुब्रत कुमार सेन जो कि भागलपुर के DM हैं, उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है, वो 4 जुलाई को हो जाएगा और इस बार काफ़ी भीड़ भी होने वाली है क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है, बारिश का मौसम आ गया है। और जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि इस मेले में काफ़ी भीड़ होने वाली है, 2 महीने तक ये मेला रहेगा, तो इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और ट्रैफिक को लेकर तमाम तैयारियाँ जो है वो सम्पन्न हो चुकी है और अभी तैयारियाँ बस अंतिम रूप में ही है। जो फाइनल टच जो है वो एक बचा हुआ है और जितने भी अधिकारी हैं सभी को निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द सभी कामों को पूरा किया जा सके। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।